नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। जो भी दूध आपके घर में आता है उस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा 2 कप दूध इसमें डाल दिया है और दूध को अब हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे गर्म करेंगे। इस तरह से हम बीच बीच में इसे चलाते जाएंगे और गर्म कर लेंगे। हल्का गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप इसमें चीनी डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे पका लेंगे उबाल आने तक और आंच को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि दूध हमारा उबल के गिरे नहीं। और इस तरह से इसे चलाते जाएंगे, चीनी भी घुल जाएगी और दूध भी पक जाएगा। और दूध में उबाल आ गई है, चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। और अब हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है और इसमें डाल देंगे कस्टर्ड। और मैंने यहाँ पे पूरा 3 चम्मच कस्टर्ड लिया है। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। और इस तरह से दूध में घोल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड वेनिला फ्लेवर का लिया है, तो आपको जो भी कस्टर्ड पसंद हो आप ले सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए काजू और चिरौंजी डाल देते हैं। काजू और चिरौंजी को डालने के बाद हम इसे इसी तरह से चला देंगे। और अब हमने जो कस्टर्ड हमने घोर के रखा है उसे थोड़ा सा पहले चला लेंगे, क्योंकि ये नीचे से जम जाता है। और ठंडे दूध में ही हमें कस्टर्ड को घोरना है, गर्म में नहीं, नहीं तो इसमें गुल्ठे पड़ जाएंगे। और आंच को धीमा कर देंगे और इसे मिला देंगे। तो पहले हमने 1/2 कस्टर्ड इसमें डाल दिया है और इसे चला रहे हैं, एक साथ पूरा नहीं डाला है। अब थोड़ा और हम इसमें डाल देंगे सारा और इसे इसी तरह से पका लेंगे। और बस 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है। बस इसमें हल्के हल्के बबल्स पड़ने लगेंगे, इतना ही हम इसे पकाएंगे। पकने पर देखेंगे कि छोटे छोटे इसमें से बबल्स निकलने लगे हैं। और इस समय हम इसे चलाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो इस तरह से बबल्स पड़ रहे हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे डाल देंगे कटोरियों में। तो कटोरी या गिलास में आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी कटोरी में भी डाल देंगे। और इस तरह से भरने के बाद अब हम इसे सजा देंगे ड्राई फ्रूट के साथ। तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता थोड़ा सा और काली वाली किशमिश इस तरह से डाल दिया है। और सभी में इसी तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने अखरोट भी लिया था। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा ड्राई फ्रूट है ये सारे ड्राई फ्रूट। और इस तरह से हम इनमें डाल देंगे। और कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मेरे पास थोड़ी सी टूटी फूटी है तो इसे भी डाल देती हूँ। और बस अब फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा हम इसे निकालेंगे। इस तरह से आप फ्रिज में रख दें।